आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। नहीं, कुछ तो बात है, भगवान करे सब ठीक हो और वो वापस आ जाए। कौन वापस आ रहा है? भाभी, सब्जी आज बहुत ही टेस्टी थी। वो मैंने बनाई थी, तुम्हें मेरा हाथ किस करने का मन नहीं करता? दिशा भाभी, ये आप शशिकला, तुम मेरे देवर को छेड़ रही हो। वैसे ईशान भाई को भी अच्छा लग रहा है। क्यों ईशान भाई, तेरी जबान में कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है? एक थप्पड़ मारूंगा अभी। वैसे सच सच बताओ ईशान, तुम मेरी कंपनी कैसी लगती है? अरे, आपने तो कहा था कि आपको कॉपीज चेक करनी है। हाँ वही ना, पर नहीं कर पाई। बड़ी मामी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो मैं उनके साथ बैठी थी। क्या हुआ बड़ी माँ को? सब कुछ ठीक तो है? डॉक्टर को बुलाया, मैं देख कर आती हूँ। बड़ी सुहाना, इतना मत घबराओ, कुछ नहीं हुआ, अब ठीक है तुम्हारी बड़ी माँ। पर उन्हें हुआ क्या था? पता नहीं, फोन पे बात कर रही थी, अचानक चक्कर आया और पसीने पसीने हो गई पूरी। फोन पे किससे बात कर रही थी? आपने पूछा उनसे? मैं पानी लेने गई थी, उतने में नानी जी आई और उनको अपने कमरे में ले गई। कह रही थी कि गर्मी की वजह से ना उनको चक्कर आ रहे थे। गर्मी तो है, आपको पता है मैं तो कितना एडजस्ट कर रही हूँ आजकल ऋषिका के रूम में, बगैर एसी के सो रही हूँ मैं। और वो भोलू, एक बार नहीं उसने पूछा कि मेरे रूम में एसी कहाँ से आया। भोलू बन के ना वो सारी फैसिलिटीज अवेल कर रहा है। हाँ, ऋषिका ठीक कहती है, ये ईशान एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है ना। हे भगवान, सुहाना मुझे इतना काम है, प्लीज हाँ, मैं और बातें नहीं कर सकती। तो रजनी दीदी आज मीठी को बाहर लेके गई और ईशिका की बच्ची भी आज कॉलेज से नहीं है, मुझे कॉपियां भी चेक करनी है। लाई, मैं वेजिटेबल्स कट करने में आपकी हेल्प करती हूँ। तो पापी, अरे मीना, ये कपड़े वापस क्यों ले आए? अरे ये तो धोबी को प्रेस करने देने थे ना। भाभी, वो धोबी की दुकान बंद है, वो ना शादी में गया हुआ है। व्हाट? वो ईशान के क्लोथ आयरन किए बगैर शादी में कैसे जा सकता है? छोटी भाभी, उसकी अपनी शादी है। सो व्हाट? मोहन जिया, अब क्या होगा? सुबह सुबह ईशान उठ के मांगेगा ना कपड़े फिर। अरे मीना, तू प्रेस कर देना जल्दी से प्लीज। भाभी मैं कर देती प्रेस, पर मुझे भी तो दूसरे घर काम करने जाना है ना। मैं ना वहां से आने के बाद प्रेस कर देती हूँ, ठीक है? कोई जरूरत नहीं, रहने दे, मैं कर दूंगी प्रेस ईशान। तुम सुहाना, तुमने पहले कभी प्रेस किया है? प्रेस करने में क्या है, क्लोथ्स को ऐसे रख के उस पे आयरन ऐसे रोल रोल करना, और क्या है? और अगर कपड़ा जल गया तो? हाँ सुहाना, या फिर भोलू बोलेगा ना, शशिकला जी आपने मेरे कपड़े जला दिए। रहने दे, तू ही कर देना आयरन, मैं वेजिटेबल्स कट करके आपकी हेल्प करती हूँ। मतलब आज तुम कुछ ना कुछ करके रहोगी। भूलिएगा मत, मेरा नाम सुहाना नहीं, शशिकला है, शशिकला। बड़ी, तुमने ठीक से पहचानी थी ना उसकी आवाज, मतलब ईश्वरी था ना? हाँ हाँ हाँ, उन्हीं की आवाज थी। जाना कितने सालों बाद, कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। पहले वो चिट्ठी भेजी, अब फोन, ये सब, इतने साल बीत गए माँ, कभी हमारी खबर नहीं ली। आपको चिट्ठी लिखते रहे पर मुझे कभी नहीं लिखी। फिर अचानक यूं, मीना ने भी बताया ना, मेरे लिए फोन था, मतलब मेरा ही नाम लिया होगा, तुझसे ही बात करना चाहता होगा। वो खत भी तो उसने तेरे ही नाम पर भेजा है ना। बड़ी, बड़ी क्या हुआ? बड़ी, मीना बता रही थी कि किसी से फोन पर बात करते करते तुझे चक्कर आ गए, सब ठीक तो है ना? किसका फोन था? उसे क्या देख रही है, मुझे बताना किसका फोन था। कोई परेशान कर रहा है तुझे? नहीं बाबूजी, वो मैं
दोपहर में बाहर गई थी ना तो गर्मी की वजह से चक्कर आ गया। अरे वो तो ठीक है, पर फोन किसका था? ओफो, अब बार बार ये पूछ के कि किसका फोन था, परेशान क्यों कर रही हो बड़ी को? आराम करने दो बेचारी को। ठीक है बड़ी, तू आराम कर, मैं बाद में आ जाऊंगा, आराम कर। शुक्र है तुम्हारे बाबूजी ने कुछ सुना नहीं, पर अचानक कैसे फोन आ गया ईश्वर का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। कहीं ईश्वर वापस तो नहीं आ रहा? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने, मन में बेकार की आशा जगाने का कोई फायदा नहीं। फिर क्या बात हो सकती है बड़ी? बाबूजी की और आपकी चिंता जागी होगी मन में, या फिर बच्चों की। अचानक करे सब ठीक हो और वो वापस आ जाए। कौन वापस आ रहा है? क्या पूछ रहा हूं मैं, कौन वापस आ रहा है? ईश्वर इस घर में किस हक से आ रहा है, किस हक से? तुमने बुलाया उसे? नहीं, मैं वो... तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस घर में बुलाने की? बाबूजी आप परेशान मत होइए, कोई वापस नहीं आ रहा। अरे मैंने खुद सुना है अपने कानों से, अभी ये कह रही थी ना। हाय, मैंने कब कहा? अब तुम्हारे ना कान भी बजने लगे। जब तक मैं जिंदा हूं ना, वो इस घर में कदम भी नहीं रख सकता। बड़ी तू समझा दे अपनी माँ को। आज क्या खाना बनाया इसने, है? नहीं मजा आ गया, जी तो चाहता है तुम्हारा हाथ चूम लूं। इस वक्त चाय नहीं मिलेगी तुम्हें। नहीं नहीं सच्ची में, आज पनीर की सब्जी बहुत बढ़िया बनाई तुमने। हाँ हाँ भाभी, सब्जी आज बहुत ही टेस्टी थी। वो मैंने बनाई थी, तुम्हें मेरा हाथ किस करने का मन नहीं करता? दिशा भाभी ये आप, शशिकला तुम मेरे देवर को छेड़ रही हो। वैसे ईशान भाई को भी अच्छा लग रहा है, क्यों ईशान भाई? तेरी जबान में कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है? एक थप्पड़ मारूंगा अभी। वैसे सच सच बताओ ईशान, तुम मेरी कंपनी कैसी लगती? ईशान भाई शर्मा रहे हैं। भाई खाना तो बहुत बढ़िया हुआ, कुछ सुपारी उपारी खिला दो, मीठी सुपारी। हाँ हाँ हाँ, अब भाभी प्लीज, मुझे भी बहुत मन कर रहा है। ईशिका जान ले। भाभी ने तुझे बोला था ना, क्यों उसको जाने दिया? मैं तो चाह रही थी ना। अरे वाह वाह शशिकला, थैंक यू सो मच, तुम हम सबका कितना ख्याल रखती हो। हाँ शशिकला, तुम कितनी अच्छी हो। मेरी तो यही समझ में नहीं आता कि तुम्हारा पति तुमसे नाराज क्यों है। सच में हम सबको ना मिलके इनके पति की पिटाई करनी चाहिए। क्या क्या क्या? कुछ नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए। अरे मेरे भाई खा ले, वरना शशिकला जबरदस्ती मुंह में ठूस देगी। हाँ शशिकला अपने पति के साथ भी अक्सर ऐसा ही करती है।
नहीं 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 मैं खा रहा हूँ। खा लिया खा लिया। जो क्यूट ईशान में गुड बॉय की सारी क्वालिटीज है। ईशान भाई इतने अच्छे हैं कि कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं मिलता। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।